10 सितंबर को श्रीलंका पर होगी दुनिया की नजर, जब एक बार फिर आपस में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी भिड़ंत होने वाली है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस मैच पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछली बार इंद्र देवता ने मैच में खलल डाली थी, जिसकी वजह से दर्शकों के रोमांच पर पानी फिर गया था। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी भिड़ती हैं, तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक लोगों की सांसें थम जाती हैं। 10 सितंबर को एक बार फिर हम्बन टोटा में दोनों टीमों का आमना सामना होगा। वहीं फिर से दोनों देशों के साथ पूरा विश्व इस महामुकाबले को देखने अपनी टीवी स्क्रीन पर निगाहें गड़ाकर बैठेगा। एक बार फिर रणभूमि सज चुकी है। रोहित के महारथी बाबर की सेना को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि पिछले मैच में भारतीय टीम से कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन रात गई बात गई, टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। दिन बदला, जगह बदली, तारीख तय, और पहले मैच के बाद अब टीम इंडिया भी बदल गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में हराना भारत की आदत में शुमार है। इसके लिए रोहित शर्मा के लड़ाके पाकिस्तान को कोई ढील देने के मूड में नहीं है। पिछले मैच में दोनों टीमों के बीच का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश की वजह से फैंस को निराशा हाथ लगी, लेकिन अभी भी दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी का पल बाकी है। अब देखना ये होगा कि 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान में से कौन होगा किस पर भारी, लेकिन मैच कोई भी जीते, दर्शकों का रोमांच अपने चरम पर होगा।